भाई गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड जो आज मिला है मुझे, अवार्ड फंक्शनों में तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, हर अवार्ड हम लोगों ने लिया भी है, पर आज ये जो अवार्ड मिला है बहुत ही प्यारा अवार्ड है, और खास करके यारी रोड में हमें मिला इस ये अवार्ड के लिए मैं खास करके आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस अवार्ड में उन्होंने मुझे बुलाया और इस लायक समझा। और इस तरीके के अवार्ड अगर होते रहे समय समय पर तो एक इंसान का मनोबल बढ़ता है और नई ऊर्जा आती है। मुझे भी ये मिलने के बाद मुझे अच्छा ऐसा लगा कि नहीं मैं अभी भी यंग हूँ और आप उनके सामने हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। बस हो गया ना, एक गाना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी है वो गाना। अब वो माँ का नाम है तो कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक गाना था कि आज से 93-95 से पहले हमने एक गाना किया था जिसका नाम था गुलशन कुमार जी पे ये गाना पिछड़ाया था हम लोगों का, और नवरात्रि का मौसम है तो मैं वही गाना गाना चाहूँगा। और उस गाने को अभी रिक्रिएट करके जुबिन नौटियाल साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया है, मगर ओरिजिनल गाना जो है वो ये है। मैं बालक तू माता शेरवालिए है टूटिए नाता चेहरा वालिए, मैं बालक तू माता शेरा वालिए है टूटिए नाता चेहरा वालिए, चेहरा वालिए माँ मेहरा वालिए माँ ओ मैं बालक तू। तो उस वक्त वो गाया था बाबला मेहता जी ने और इस वक्त गाया है जुबिन जी ने, तो आप लोग जरूर सुनिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मिरर फाउंडेशन ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो काम करती आ रही है, बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने, और कोरोना के दौरान जो इन्होंने सेवा की है उस सेवा भाव व्यक्त किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं उज्ज्वल भविष्य के लिए, ऐसे ही ये सेवा करते रहें। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोरोना के दौरान जिन जिन लोगों ने मेहनत की अपना सहयोग दिया उन सबको आज सम्मानित किया जा रहा है और चुन चुन के सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। करना चाहूँगा और एकता मंच का जो मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है, कभी भी अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, एंड स्पेशली समथिंग लाइक दिस इज एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं फॉर मेकिंग लाइफ बेटर फॉर अदर पीपल। इस मैंने स्टेज पे कहा एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर दास का, जो कहता है कि काम काम की बात है काम का करो विचार, काम काम की बात है काम का करो विचार, एक काम शीतल करे एक काम करे बार। सो दिस काम जो है ये शीतल करता है। होप मिरर फाउंडेशन का जो काम है इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड वर्क, और उनसे का सपोर्ट मिले इट फील्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नमस्कार, मैं हूँ रिशीना कंधारी और होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से आज मुझे अवार्ड मिला है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई रियली फील ग्रेट कि गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स मुझे मिला है। जिस तरह से यू नो सभी लोग कोरोना काल में सब लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, उसी तरह इन लोगों ने भी किया है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर देम बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना जिसमें सक्षमता होती है यू नो दूसरों की हेल्प करने की उन्हें करना चाहिए। वेल मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को बिकॉज व्हाई आई हैव गॉटन दिस अवार्ड इज क्योंकि मैंने भी थोड़ा सोशल वर्क किया है ड्यूरिंग कोरोना। आई हैड यू नो पुट इन माय हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू सर्व अ लॉट ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। हमारे ऑफिस में हम लोगों ने एक छोटा सा किचन सेटअप बनाया था और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 400 लोगों का खाना रोज़ बनाते थे
और तकरीबन 5-6 महीने तक हमने यू नो रोज़ उन लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बॉम्बे छोड़ छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरी जो 15-20 लोगों की टीम थी वो कहीं नहीं गए और वो मेरे ही ऑफिस में रहते थे। एंड यू नो खाना बनाने से लेके, खाना पैक करने से लेके, उन्हें गाड़ियों में भरने से लेके, उन्हें जाके हर एक ब्रिज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके यू नो सब लोगों का, सारे छोटे छोटे बच्चों को हमने चॉकलेट्स और यू नो दूध के कैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके हिसाब से कर सकता है, सोसाइटी को दे सकता है, दे डेफिनेटली शुड डू इट। एंड आई मीन इवन होप मिडल फाउंडेशन, यू नो देयर मोटो इज सो ग्रेट, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम दैट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच टू द सोसाइटी। मैं चीफ गेस्ट था, होप मिरर फाउंडेशन ने एक अलग कार्यक्रम करने का प्रयास किया। सामाजिक उपक्रम तो महाराष्ट्र में होते हैं, देश भर में होते हैं, लेकिन एक अलग ऊंचाई पे कार्यक्रम को लेके जाने का प्रयास होप मिरर फाउंडेशन ने किया और पूरे देश भर से ऐसे कुछ कोहिनूर हीरों को ढूंढ निकाला कि जिसने कोरोना का समय हो या अलग अलग विषयों में किया हुआ सामाजिक काम हो, ऐसे सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। देश के कोने कोने में अनेक विषयों में अनेक काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको बुलाकर उनके काम का उनको सराहना, उनको सपोर्ट करना, उनके काम के प्रति हमने उनको ताकत देना, ये करने की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से एक मॉरल अप होने का काम होता है। मुझे लगता है कि होप मिरर फाउंडेशन के माध्यम से देश भर के कुछ गिने चुने ऐसे लोगों को बुलाया गया, उनका मॉरल अप करने का काम किया गया, मॉरलाइज करने का काम किया गया। बहुत ही अच्छा उपक्रम था। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, मेरे हाथों से कुछ मान्यवरों का सम्मान किया गया। मेरा ये भाग्य है कि ऐसे सामाजिक उपक्रमों में काम करने वाले कुछ बड़े हस्तियों का मैं सम्मान कर पाया, या अपने आप में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैं चाहूँगी कि ऐसी फाउंडेशंस आएं, लोगों की हेल्प करें, एंड इन व्हाटएवर वे आई कैन कनेक्ट विद देम एंड वर्क, इट विल बी प्लेजर फॉर मी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवेंट। हाँ, इट वॉज ब्यूटिफुल। नाग सर की वैसे भी मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, बट ही इज जस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड उनके साथ कनेक्ट होकर काम करके एक आई थिंक आई फील अपलिफ्टेड। और फिर एक लंबे टाइम जहाँ पे सारा काम रुक गया था, उसके बाद यू नो व्हेन द वर्क हैज अगेन स्टार्टेड रोलिंग एंड देन विद अ सुपर स्टार, आई थिंक आई फील आई एम रियली लकी टू स्टार्ट माई लाइक इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग दैट आई फील। सो वी स्टार्टेड अगेन आफ्टर दिस पैंडमिक हैज सेटल डाउन अ लिटल। अभी गया नहीं है, अभी भी मास्क पहन के रखे आप लोग, मगर बहुत मज़ा आया एंड इट्स गोना बी अ रियली बिग फिल्म, अ बिग रिलीज, और फिंगर्स क्रॉस्ड, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, और जनवरी 15 को रिलीज हो रही है, देखिएगा। जी टाइम कम था थोड़ा सा, बहुत अचानक से ये ऑफर आया एंड द शो हैज़ कम अप रियली वेल, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इट्स लुकिंग वेरी गुड, इट्स गॉट ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर ओवर। सबसे बड़ा शो है जो जिसकी TRPs आर रियली हाई, सो आई न्यू दैट everybody इज वॉचिंग इट, तो थोड़ी कॉन्शियस थी बिकॉज सेम डे हमने रिहर्स किया, सेम डे परफॉर्म किया, बट इट्स कम आउट रियली वेल, सो आई थिंक इट्स गॉड्स ग्रेस ऑन मी। थैंक यू थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। पिक्चर्स प्लीज बोल लीजिए, किसी को बोलिए। नमस्ते, क्या कहना चाहिए आज आपको अवार्ड मिला?
यस आई एम सो लकी एक्चुअली. कोरोना पैंडेमिक की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक हमारा गुजरात का लिखित गरबा जो मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो हमारे गुजरात के सीएम और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे स्थान मिला. और एक ह्यूमिनिटी का अवार्ड इसीलिए मुझे मिला है कि ह्यूमिनिटी पे आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे जहाँ पे मेरे 45 मिलियन व्यूअर्स हो गए ह्यूमिनिटी सॉन्ग पे. सो इस सॉन्ग के लिए मुझे ऐसा बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है और इंडस्ट्री से ऐसे ही प्यार मिलते आ रहा है. तो आई एम सो लकी, सो हैप्पी एंड सो ब्लेस एंड थैंक यू सो मच. आप सबकी वजह से हम सब यहाँ पे है और इतना अच्छे से काम कर रहे हैं. थैंक यू. इट्स अ ग्रेट प्रेशर. अवार्ड मिलना हमेशा अच्छा लगता है. इट्स अ रिकॉग्निशन, इट्स एन अप्रिसिएशन. आई रियली वांट टू थैंक ऑल दोस पीपल हु थिंक दैट आई डिजर्व द अवार्ड. सो थैंक यू सो मच एंड आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. सो नथिंग, दिस इज़ वन ऑफ माई पार्टी वेयर्स जिस विच आई जस्ट थॉट. मैंने खुद का मेकअप किया एंड आई लव ब्लूज पर्पल्स. सो आई जस्ट डिड समथिंग बाय माई सेल्फ. वेल ऑलरेडी धमाल करके आ रही हूँ ना. आई ऑलरेडी रिसीव द अवार्ड. इट्स केप्ट विद माई मदर एंड इट्स अ गुड फीलिंग कि लाइक यू नो ये सारे जो ये जो होप मिरर फाउंडेशन है अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं एंड बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है सबको. सबको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करना चाहते हैं जब एक रिकॉग्निशन मिलता है लोगों को. सो इट्स अ गुड थिंग. Thanks so much. Done? Thanks. Thanks so much. Bye. Ma'am. सबसे पहले सबको नमस्कार. सबको नमस्कार जी. बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है और उसे प्रोत्साहन मिलता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, तब आदमी और कुछ करना चाहता है. तो मैं भी अपने फील्ड में और बेटर करना चाहूँगा और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना चाहूँगा ताकि लोग और इंटरटेनमेंट हों और खुश रहें. आपकी जो मूवी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं. जी हाँ, हमारी अभी एक फिल्म आ रही है, मैंने प्रोड्यूस किया है गंगा घाट. तो बहुत ही प्यारी फिल्म है और इस टाइम पे अगर हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और नवंबर के लास्ट तक रिलीज है. प्यारी फिल्म है, मज़ा आएगा आप लोगों को जी. और कोई मैसेज देना चाहिए? कल दशहरा है, सबसे पहले हैप्पी दशहरा. कल दशहरा है, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से. आप लोग जीवन में जो चाहे मिले और यही कहना चाहूँगा सबको मिलजुल कर रहना है. इतना बड़ा कोविड का महामारी का चलता रहा है तो सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में लगे रहना है और एक दूसरे का साथ देना है ताकि किसी को कोई परिस्थितियां कभी गड़बड़ाए भी तो हम मिलकर उसका सपोर्ट करें ताकि वो इस महामारी में डगमगाए ना जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पहली बात तो ये देश भर में जो सोशल वर्क करते हैं अच्छा, उनको इन्होंने ढूंढ के अच्छी खोज इनकी है और ढूंढ के सबको जो कोरोना काल या सोशल फील्ड में जो काम करते हैं उनका इन्होंने सम्मान किया और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये अच्छा काम करते रहेंगे. होप मेरा बार एकदम नवरात्रि के अवसर पर पूरे देशवासियों को मैं कल दशहरा है और सारे देशवासियों को दशहरे की शुभकामना देना चाहता हूँ और मीडिया के भाइयों को भी शुभकामना देना चाहता हूँ. Thank you. Bye.
हाय हाय हाउ आर यू ऑल, गुड टू सी यू ऑल जी। जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑब्वियसली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी होप मिरर को जिनका ये पहला अवार्ड है, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे अवार्ड फंक्शन से ऑब्वियसली जब किसी को भी अवार्ड मिलता है तो एवरीबडी फील्स गुड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आई इन्जॉय दिस, और काफ़ी लोगों से मिलने का भी टाइम मिल जाता है यहाँ पे अवार्ड में। यू मीट पीपल जो जनरली हम नहीं मिल सकते, तो या इट्स ग्रेट जी। ये तो मुझे एक्ट्रेस के लिए मिला है, ऑब्वियसली बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है, सो फील्स ग्रेट। और ऐसा लगता है कि अब और भी मेहनत करूँ और अच्छा काम करूँ, तो या बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें, ऑब्वियसली कोरोना पॉजिटिव नहीं, बट ऐसे पॉजिटिव रहे, और लाइफ इज़ गुड एंड या। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एकता मंच और होप मिरर फाउंडेशन को ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या जी अपकमिंग में बहुत जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट देने वाली हूँ एक फिल्म की, दिस मंथ एंड, और दो तीन पिक्चरें और भी है पाइपलाइन में, बट वन इज़ फॉर श्योर दिस मंथ, तो मैं आप लोगों को मिलूँगी वहाँ। या थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी दशहरा, थैंक यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अच्छी बात है कि लोग जो काम करते हैं सोशल वर्क, डॉक्टर एंड जिसने भी इस फील्ड में काम किया कोरोना काल में, उनके लिए जो ये अवार्ड रखा गया है उसके लिए नो डाउट इससे मोटिवेशन भी मिलता है लोगों को काम करने का। चीज़ बहुत छोटी है, मायने बहुत बड़े हैं उसके। सो मैं अजय भाई को, CWC के जो प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडर हैं एकता मंच के, उनकी तरफ से ये जो अवार्ड मुझे आज मिला है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। और वो ऑलवेज खुद इसके बड़े मास्टर हैं कि वो, हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं, उन्होंने इतना किया और आज तक कोरोना काल में करें, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं ऐसे नहीं कि मुझे यहाँ ये अवार्ड मिला है मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ स्कूल में बैठी हूँ तो मैं कह रही हूँ, नहीं, ये फैक्ट है। और इसको पूरा मुंबई, शायद आप में से कुछ हमारी सारी मीडिया भी जानती होगी उनके बारे में, कि जो उन्होंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। स्कूल में फीस माफ़ करना, एक ही स्कूल मुंबई के अंदर है, मैं तो बोलती शायद महाराष्ट्र के अंदर, मैंने कहीं और नहीं सुना जिन्होंने 3 महीने की फ़ीस को माफ़ किया। 4,000 बच्चे बहुत होते हैं, 3 साल की फ़ीस माफ़ करना, सो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी इस बात के लिए। इस बात को सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए, सभी स्कूल वालों से मैंने भी बहुत अपील की थी कि सभी थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स की मदद करेंगे, तो ये वक्त निकल गया और जो बचा है वो भी निकल जाएगा। बस जो है बहुत अच्छा है, और मैं ये कहूँगी फिर भी कि आज भी हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना है और ध्यान देना है, अभी हम इससे मुक्त नहीं हुए हैं, कोरोना का अब भी असर है, सो थोड़ा ध्यान रखें, वैक्सीनेटेड हो जाएं सारे तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। ये नहीं आप बच जाओगे, अगर होना है तो होगा, लेकिन उसमें 30% सिर्फ आपको होगा, बाकी 70% वो कंट्रोल में रहेगा। सो थैंक यू, मैं ऑल मीडिया का थैंक यू कहना चाहूँगी, आप लोग का सबसे बड़ा, हर जगह आप लोग का अहम रोल होता है, जो हमारी छोटी से छोटी बात आप जहाँ पहुँचानी आप लोग पहुँचाते हो, सो थैंक यू, हम आपके बहुत आभारी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।